तो है गाइस, व्हाट्सअप, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में हमारे। तो कैसे हो भाई साहब, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है कस्टम रूम कार्ड को लेके। दोस्तों, कई लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर बताइए किस तरह ऐसे होता है, बहुत लोगों को नहीं आता बनाने यार। तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, मैं वो सारी चीज़ें आज क्लियर करूँगा डिटेल के साथ कि किस तरह कस्टम रूम बनाते हैं और 1v1 कैसे करते हैं, या फुल मैप का कस्टम कैसे बनता है, और उसमें लिमिटेड एमओ कैसे है लगाते हैं, अनलिमिटेड कैसे करते हैं, कितने राउंड, कितने कॉइन, सारा कुछ मैं आपको यहाँ डिटेल क्लियर करके बता रहा हूँ। तो देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको मैप वाले सेक्शन में आना है और वहाँ कस्टम लिखा होगा, वहाँ कस्टम रूम में आप आएंगे, आपके पास कस्टम कार्ड होगा तो नीचे क्रिएट का ऑप्शन देगा, ये येलो कलर का आप देख सकते हो। आप यहाँ से किसी का कस्टम ज्वाइन भी कर सकते हो। देखो, इस तरह आप ज्वाइन भी कर सकते हो। अगर आपको पासवर्ड पता है तो आप पासवर्ड डाल के ज्वाइन कर सकते हो, और ओपन कस्टम है तो आप ओपन भी डायरेक्ट ज्वाइन हो जाओगे। तो सबसे पहले अब हम क्रिएट पे चलते हैं। तो देखिए, इस तरह का इंटरफेस आएगा कुछ। अब ऊपर यहाँ रूम नेम है, तो आतिफ खान ये छोटे भाई की आईडी है। तो अब चाहे तो आप उस पर जो है उसी नाम नाम को रहने दो, या कुछ भी डालना हो। जैसे मैंने बुया करो लिख दिया है, तो इस तरह ये रूम का नेम हो जाएगा। आप नीचे क्लिक टू इंटर पासवर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ से पासवर्ड आपको डालना है। पासवर्ड सिर्फ नंबर में पड़ता है, पहले मैं बता दूँ, वर्ड में पासवर्ड नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ से जो मोड भी सिलेक्ट करना है, आप यहाँ देखिए नीचे दिख रहा है। तो अगर आपको क्लैश स्क्वाड 1v1 या 4v4, 2v2 किसी से खेलना है तो क्लैश स्क्वाड सेट करेंगे आप। उसके बाद आप जो है इसको या तो कंफर्म कर दें, या तो यहाँ नीचे गेम सेटिंग और भी दे रही है, रूम के नीचे लेफ्ट में ऊपर दिखेगा गेम का ऑप्शन दे रहा है, आप वहाँ गेम पे आइएगा। तो वहाँ आपको बाकी सेटिंग्स आ जाएंगी। जैसे देखिए, यहाँ पे राउंड्स हो गए, यहाँ राउंड आप 11 लगाना चाहो या 13 लगाना चाहो, 13 मैंने 13 कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको मूवमेंट स्पीड है, सब को आपको नहीं छेड़ना है। दूसरा, आपको डिफ़ॉल्ट कॉइन दिख रहा होगा राइट साइड में, पहला नंबर, उसको आप 1500 कर दें, ताकि आप जो है डिजर्ट ईगल और ग्लू वॉल पहले बार में ही खरीद पाएँ। जंप हाइट रेट कुछ नहीं छेड़ना है आपको। लिमिटेड एमओ यहाँ लिखा दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों, इसको आपको नो करना है। जब आप इसको नो कर देंगे तो आपकी जो वॉल्स हैं और जो गोलियां हैं वो अनलिमिटेड हो जाएंगी। आप एक वॉल रख के कितनी भी वॉल लगा सकते हो, आपकी मतलब ख़त्म नहीं होंगी, वो अनलिमिटेड हो जाएंगी, इन्फिनिटी इसको बोलते हैं। कैरेक्टर स्किल आपको बदलना हो तो वो भी यहाँ देखिए लिखा हुआ है, उसको भी नो कर देंगे तो कोई भी कैरेक्टर की स्किल नहीं आएगी गेम के अंदर। गन प्रॉपर्टी है, उसको भी नो कर देंगे तो कोई भी गन स्किन काम नहीं करेगी, सब एकदम नॉर्मल हो जाएगा, जैसे कि बड़े बड़े ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं उस तरह के। अब यहाँ से दोस्तों, अगर आप ब्लॉक एमुलेटर देखिए लिखा हुआ है, इसको ऑफ कर देंगे तो आप किसी एमुलेटर वाले प्लेयर को भी बुला सकते हैं खेलने के लिए। इस तरह कुछ चीज़ें होती हैं जो कस्टम की बहुत बहुत रेयर सी सेटिंग है, बहुत नॉर्मल सी सेटिंग है दोस्तों। अगर आप किसी को भी समझ में कुछ नहीं आएगा तो मुझे पर्सनली कमेंट करो आप वीडियो पे, मैं वीडियो में आपको जवाब दूंगा पूरा, एक एक चीज़ समझाऊंगा। और यहाँ से आप 6v6 भी कर सकते हो दोस्तों, ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। 6v6 जब आप करोगे तो एक बार सिलेक्ट करने के बाद आप उसको दोबारा वापस 4v4 नहीं कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना कि अगर 6v6 कर रहे हो तो बाद में आपको ये ना हो कि मुझे 4v4 करना है, तो क्योंकि फिर बाद में गेम से उसका ऑप्शन नहीं आएगा जब आप कस्टम बना लोगे। उसके बाद आपको सिंपल ये देखिए क्लैश स्क्वाड का मैंने अनलिमिटेड बना दिया है, किसी भी बंदे को इनवाइट करके आप यहाँ खेल सकते हो उसके साथ 1v1, 4v4, 6v6 या 2v2, जो भी आपको खेलना हो अनलिमिटेड बिंदास आप खेल सकते हो। बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं करना, जितना मैंने बताया है उतना मोर देन इनफ है नॉर्मल कस्टम बनाने के लिए। और जो कोई भी कंफ्यूजन होगी तो वो जो है आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी डिटेल मैं आपको सारी दे दूंगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। बाय बाय, टेक केयर।